नमस्कार, इन खबरों में आप सभी का स्वागत है। फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी ने शादी कर ली है। यह बता दें कि उन्होंने ऐसा अपने परिवार के खिलाफ जाकर किया। वहीं इस शादी के बाद से ही शिल्पा शेट्टी सुर्खियों में आ रही हैं। अब हम आज आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार क्यों परिवार और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ जाकर शमिता शेट्टी ने शादी कर ली है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि शमिता शेट्टी का फिल्मी करियर को ज्यादा सफल नहीं रहा और उन्होंने अभी तक कुछ ही फिल्मों में काम किया है जहां उनकी एक्टिंग को लोगों के द्वारा कम ही पसंद किया गया। हालांकि शिल्पा शेट्टी तो एक जानी मानी अभिनेत्री है, लेकिन उनकी बहन अपने हुस्न के जलवे से लोगों को आकर्षित करने में नाकामयाब ही साबित हुई है। ऐसे में शमिता शेट्टी ने बिग बॉस में एंट्री करने के बाद से लोकप्रियता हासिल की थी। वहीं बिग बॉस में जाने के बाद शमिता शेट्टी की मुलाकात राकेश बापट से हुई है। ऐसे में दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आने लग गए हैं और दोनों के बीच दोस्ती भी होने लगी। यह दोस्ती प्यार में बदल गई। वहीं दूसरी ओर ऑन स्क्रीन पर भी इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों के द्वारा पसंद किया गया था। हालांकि शमिता शेट्टी बिग बॉस का टाइटल जीतने में नाकामयाब रही थी, लेकिन अब वह अपने निजी जीवन को लेकर सुर्खियों में आ रही हैं। वहीं ऐसे में राजीव ने बातचीत के दौरान बताया कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद ही राकेश आज भी शमिता शेट्टी से बेहद प्यार करते हैं और उन्होंने मजाक में शमिता शेट्टी को शमिता शेट्टी राजकुंद्रा भी कह दिया था, जिसके बाद से वह भड़क गई थी और शमिता शेट्टी ने कहा था कि उन्हें शमिता शेट्टी कुंद्रा नहीं बुलाया जाए, जबकि शमिता शेट्टी बापट बुलाया जाए। वहीं इस बात से मालूम चल सकता है कि शमिता भी राजीव से प्यार करती हैं, वहीं उनसे शादी करना चाहती हैं। हालांकि अभी तक इन दोनों की शादी की खबरें महज एक अफवाह है और उन्होंने शादी नहीं की है। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।